निज़ामणी साहब साईं वरी महिरबानी तव्हां जॉइन कयो। निज़ामणी साहब छा था चओ इन ज़रात ते टैक्स जेको मरण वारो मामिलो आहे इन खे तव्हां कीअं था ॾिसो? साईं ॾिसो, बदकिस्मती सां असांजो मुल्क पाकिस्तान में जेको बदतरीन जेको टैक्स जीडीपी रेशियो आहे, बदकिस्मती सां असां उन्हनि मां हिकिड़ो मुल्क आहियूं। मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ो अधु के सब सहारन अफ्रीका मुल्कनि खे छॾे त हाणे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, इन सूरत में जॾहिं तव्हांजो टोटल मुल्की ऐं ॿाहिरियों कर्ज़ो 63,000 अरब रुपयनि खां मथे आहे, त हाणे ऑब्वियसली तव्हांजा सभु जेके सेक्टर्स आहिनि इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, त उहो टैक्स जेकॾहिं न ॾिए त मुंहिंजे ख़्याल में इहो जस्टिफाई नथो करे। सो मुंहिंजे ख़्याल में इहो बिल्कुलु जस्टिफाइड आहे, छाकाणि त सिर्फ़ 4% पाकिस्तान जा जेके फार्मर्स आहिनि, 4% उन्हनि वटि तक़रीबन को 40% एग्रीकल्चरल लैंड ज़मीन उन्हनि वटि आहे। सो मुंहिंजी नज़र में बिल्कुलु जस्टिफाइड आहे। क्वेश्चन इहो आहे त इहो कंदा कीअं, इहो वधीक अहम क्वेश्चन आहे। पर निज़ामणी साहबु, उन्हनि जो ख़्यालु आहे इहे जेके टैक्स नेट में माण्हू आहिनि इहे सभु जा सभु जॾहिं वेहनि था, जॾहिं टैक्स नेट जी डिबेट पाकिस्तान में तमामु पुराणी आहे त ज़रात खे टैक्स नेट में आंदो वञे, इहा डिबेट तमामु पुराणी आहे। इशू इहो आहे, हू चवंदा असां अॻे ई समूरनि इनपुट ते टैक्स ॾींदा आहियूं, तंहिंजे करे हिन ते टैक्स ॾियणु ऐं हिनजो एॾी इनकम बि नथी थिए, जेको जेको आर्गूमेंट ईंदो आहे, त पोइ नए टैक्स ॾियण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? अर्ज़ी इहो आहे त इहो ॿिनि हवालनि खां इहा ॻाल्हि सही कोन्हे। नंबर वन, जेतिरे क़दुरु इनडायरेक्ट टैक्सेशन जी ॻाल्हि आहे त इनडायरेक्ट टैक्सेशन त ॿियनि सेक्टर्स में बि थिए थी, ठीकु आहे। ज़मींदारनि जी इहा हिकिड़ी मुनासिब जाइज़ शिकायत थी सघे थी त उन्हनि जी जेका प्रोड्यूस आहे उन जूं क़ीमतूं जेके से सप्रेस थियनि थियूं, इन में त कोई शक न आहे। पर ॿ साल अॻे मेनली पीपुल्स पार्टी जे स्टैंड वठण जे करे कणिक जूं जेके क़ीमतूं तक़रीबन डबल थियूं आहिनि, त उन खां पोइ इहो क़ीमतुनि खे सप्रेस करण वारो इहा जस्टिफिकेशन इहा हाणे तक़रीबन ख़तमु थी वई आहे। त मुंहिंजे हवाले सां इहो जेको जीअं मूं अर्ज़ु कयो, हिकिड़ो थी वियो आहे त प्राइस सेपरेशन घटि थी वई आहे, ॿियो इहो आहे त इहो जेको इशू आहे इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इहो त मैन्युफैक्चर ते बि इहो अप्लाई थिए थो। छाकाणि हिते ॻाल्हि पई थिए एग्री इनकम टैक्स जी, त इनकम टैक्स हिकिड़ो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्स आहे ऐं जंहिं बि इकोनॉमी में डायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेशन वधीक हूंदी आहे उहा इकोनॉमी प्रोग्रेसिव सम्झी वेंदी आहे। निज़ामणी साहब, तव्हां बि सिंध जे ज़रात सां तव्हांजो तालुक़ु आहे, तव्हां ख़ुदि पाण वारा ज़मीनदार आहियो। सॼी जेका ट्रांज़ेक्शन ज़रई इनकम जी थिए थी उहा मां सम्झां थो 90-95% कैश आहे ऐं सॼी इनफॉर्मल आहे, जेको विच वारो आहे, जेको फसल खणे थो या जेका इनपुट वरितो वञे थो, इहो सॼो कैश जो सिस्टम आहे। इनखे कीअं आणिबो टैक्स नेट में? 95 न, पर मुंहिंजे ख़्याल में थी सघे थो इहो 99% ईअं हुजे। हिकिड़ो त इहो आहे त बेशक उनखे उहो फॉर्मल कनि, पर मुंहिंजी नज़र में जेकॾहिं गवर्नमेंट पोइ प्रोविंशियल या फेडरल जेकॾहिं उहे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्शन में संजीदा आहिनि, साईं सेटेलाइट टेक्नोलॉजी, सेटेलाइट टेक्नोलॉजी खां सवाइ ॿियो को तरीक़ो कोन्हे। एक्सक्यूज़ मी, सेटेलाइट इमेजरीज़ हींअर दुनिया भर में अवेलेबल आहिनि। सेटेलाइट इमेजरीज़ खे जेकॾहिं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जंहिंखे मशीन लर्निंग बि चइबो आहे उन सां जेकॾहिं कपल कयो वञे त कंहिं माण्हू जो को फसल अधु एकड़ हुजे, एकड़ हुजे, उहो लिकी नथो सघे। त बैंकिंग ट्रांज़ेक्शन त पंहिंजी जाइ ते, पर आउं सम्झा थो सेटेलाइट इमेजरी जेको आहे न टेक बेस्ड असुल जेकॾहिं तव्हां किथां उनखे करे सघो था त सेटेलाइट प्लस मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तव्हां सम्झो था, ॾिसो हीअ त अची वेंदी तव्हांखे त फलाणे ज़मीनदार एतिरी कप पोखी, एतिरी एतिरो कमंद पोखियो, एतिरी कणक पोखी, इहो त डिटेल अची वेंदी। मूं 10 एकड़ कमंद पोखियो आहे या कप पोखी आहे, हुन मां मूंखे सॼो जेको हुनखे मूं सेल करे कमायो, मिसाल तौरु मूं 10 लख रुपया कमाया, पर मुंहिंजो ख़र्चु अची वियो हुन ते 8 लख रुपया ऐं मूंखे बचिया ई कोन 20 लख रुपया, 10 लख रुपया मां को एतिरो फ़ाइदो ई कोन थियो, त उहो 2 लखनि ते मां टैक्स ॾींदुसि, त इहो कैलकुलेशन जो इशू बि त थींदो। अर्ज़ी इहो आहे त इहो इनकम टैक्स फाइलिंग में इहो त माना इहो जेको डेटा ॾियो था इहो एक्सक्यूज़ इहो त
यो तो इवन इंडस्ट्रियलिस्ट भी पैं खर्च पान तो कटे वो तो इन हाँ वह भी गाल है एफबीआर या प्रोवेंशियल टैक्स अथॉरिटी ऑडिट माना कराए सकन थी पर यो जो आर्ग्यूमेंट है यो तो उन्होंने भी अप्लाई थे तो ठीक है साईं। बाकी यो आए तो तवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सैटेलाइट इमेजरी में तुम उनके ट्रेन कर सको था तो अज जैसे शुगर केन बीठो है जैसे महीने का पो वो हार्वेस्ट तो थे तो उनके मशीन के यो लर्न कराए सको था तो एक्चुअली उनकी आउटपुट केतरी आई जितने कदर एक्सपेंसिस जो सवाल है तो जाहिरी गाल है वाइल्डली इनएक्यूरेट हूं तो जाहिरी गाल है सुबह सरकार ऑडिट पुछी सके थी पर यो जो तवाजो सवाल है यो आउ समझा दो सेकेंड स्टेज जो है फिलहाल तो यो है तो मानू फाइल करन तो शुरू कर दैट इज द की थिंग मुझे ख्याल में इनमें जो संजीदगी देखारण की जरूरत है वो आई एम एफ आलमी इदार के है छाकाण तो बदकिस्मती से असो सिस्टम एतरो तो वेस्टर्न इंटरेस्ट से मबनी है तो मुश्किल है तो उनमें वो थी सके पर साईं निजामानी साहब पहरियों मसलो यो ओनरशिप जो प्रॉब्लम है जमीन जिका है एकड़ी फैमिली में वी मानन में विरायल है छा वी मानू अलग अलग पेंजो रिटर्न फाइल कंदा सो यो ही तो सरकार जे इन्फोर्समेंट की गाल है ना मसलन जे करे ता जो डीएचए में प्लॉट है या ता जी गाडी है जे करे ता उन जो टैक्स न पियारियो है तो जी तो निस्बतन सिस्टम डिजिटाइज है निस्बतन ठीक है तो जेडी मल वो ता सेल करन ता वणो या ता पेंजी फैमिली में गिफ्ट करन ला वणो ता तो जेकर तो टैक्स प्यारियल ना है तो उत्ते पकड़ी ता पाओ बाबा पैरी पंजा ड्यूज क्लियर करियो पर एग्रीकल्चर या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एवरीथिंग इज मैन्युअल हर शय जो पटवारी के हथ में है तो जेकर सरकार चाहे तो उनके टैक्स बेस करे सके थी जेके मानू मकसद जिन जा उहे फुलफिल नाइन कयल थी सके तो सुभाणे वो प्रॉपर्टी सेल या गिफ्ट न करे थे तो अड़े नमूने से गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट इंश्योर करे सके थी की शय आए तो आया उनमें वह विलिंगनेस आए दैट इज द की थिंग कि साईं पॉलिटिकल पार्टी जाहिर है सब अचन थी ये सियासी मानू जेके बाहर होना जा एम एन एस एम पी एस जेके वही कानून साजी कंदा सब जा सब नवे सैकड़ जमींदार हूं जमीनू होंदियों उन्होंने जो रियल इस्टेट हों कारोबार हों तो ये सब जा सब टैक्स पेयर वो एडे रिफॉर्म के समझो था तो उनकी आजियाँ कंदा पर साईं अर्ज़ यो है कदें कदें तहांखे कड़वी गोली खाइणी थी पए इन मुल्क जेके हेडा कर्जा खयान उन्हें कर्जन के अगेंस्ट असा वट एसेट का भी कोने तो जाहिरी गाल हाँ इंटरनेशनल लेंडर्स चवन था तो भाई तुम वापस की कद तो एक्सक्यूज मी इन गाल या पसंद अचे या न अचे रेडिकल स्टेप्स न पर बेबी स्टेप्स इनके खड़ना पवंदा पर किथा शुरुआत कर निजामानी साहब शुरुआत किथे कर ये तो वो कॉम्प्लिकेटेड इशू है एग्रीकल्चर से टैक्स जो खास तौर से रियल इस्टेट से टैक्स है रियल इस्टेट वो भी बिल्कुल 90% जो है कारोबार कैश से थे तो जो फाइलों जो रिकॉर्ड ही को फाइल की डे वे थी वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजेक्शन रियल इस्टेट से तो वरी भी सही रियल इस्टेट से ऐसो मिसाल तौर शहर में या रियल इस्टेट की प्रॉपर्टी सिर्फ इन टैक्सेशन के करे ही तो किरी है रियल इस्टेट में वरी भी सरकार इम्पोजिशन करे पी कें हद तीन एटलीस्ट वन शहर के हद तीन एग्रीकल्चर जो है ना वो एक किस्म जो ब्लैक होल है ठीक है सही अच्छा जमींदार हाँ अस वो जमींदार तुम को जी तुम इंट्रोडक्शन में बुधायो पर मीडियम स्केल जो आउ जाती तौर पर समझा तो जमींदार खुद टैक्सेशन जमींदार की जो अल क्यों पा पाकिस्तान की जरई जी डी पी जो उनको 80% तो पंजाब में है तो माना यो टैक्स भी वन जमींदार मेनली पंजाब में होंद पर मुझे जाती ख्याल यो है तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन थे टैक्सेशन में अचे तो अल्टीमेटली खुद एग्रीकल्चर के भी इनको फायदो थो हिंर एग्रीकल्चर के यो तानू दिनी तो वे तो भाई तीन टैक्सेशन में का कंट्रीब्यूशन को एग्रीकल्चर बदकिस्मती से असो अं वो पुराणों तो पर पुराने का बदतर शिकिल में है तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह थी इन्वेस्टमेंट सिर्फ पब्लिक सेक्टर की है मुझे जाती ख्याल यो है तो खुद एग्रीकल्चर के इन टैक्सेशन में फायदो थो ठीक साईं बो आखिरी सवाल साईं आए तो डिस्कशन के लिए जारा अस तय न पे क्यों पर एकड़ो तो यो तो मुमकिन है ना तो जेके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिते प्रोसेस थन थ शुगर मिल
फुटी जी जेका प्रोसेसिंग जिनिंग फैक्ट्रीज आहिनि ऐं उन खां अलावा फ्लोर मिल्स ऐं ॿियूं जेके फिल जेके इहे रॉ जिन्सूं खणनि था ऐं ख़रीद कनि था राइस मिल्स ख़ासितौर ते, त उते त पकिड़े सघिजे थो आबादगार खे त बाबा हिते तो असांखे हेतिरा टन हेतिरियूं ॿोरियूं ॿोरियूं ॾिनियूं ऐं उते उते ई टैक्सनि जो कैलकुलेट थी सघे थो, त इहो हिकिड़ो ऑप्शन आहे। बिल्कुलु आहे, पर आउं अर्ज़ु करियां उनखे बि जेकॾहिं तव्हां एक्सक्यूज़ मी उनखे बि जेकॾहिं तव्हां सेटेलाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सां तव्हां जेकॾहिं उनखे मिलाईंदव, मिसाल तौर हिकिड़े इलाइक़े में जेकॾहिं सेटेलाइट इमेजरी ॾेखारे थी त भई हिन इलाइक़े में 1,00,000 एकड़ ते राइस कल्टीवेट थियो आहे या 50,000 एकड़ ते कॉटन शुगर केन कल्टीवेट थियो आहे, त पोइ उते जेके प्रोसेसर आहिनि उन्हनि खां गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली पुछी सघे थी। अनफॉर्चुनेटली हींअर गवर्नमेंट वटि को टूल कोन्हे सवाइ हिकिड़े सरकारी नोटिस वञण जे, जेको कंहिं बि कोर्ट में आराम सां चैलेंज थी सघे थो। पर जेकॾहिं सरकार ख़ुदि टेक बेस्ड उनजी अप्रोच हुजे त पोइ सरकार सां निस्बतन इन्फोर्समेंट एजेंसी सां कूड़ ॻाल्हाइणु शायदि मुश्किल थींदो। पर इहो त हिकिड़ो ॿियो बि त कैमोफ्लाज थी सघे थो, त छाकाणि त जेका 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 ओनरशिप आहे उहा डिस्ट्रीब्यूट थी वञे, कंहिंखे 5 एकड़ कंहिंखे 10 एकड़, ऐं जॾहिं हुकूमत ऐलान करे थी त असां 12 एकड़, मिसाल तौरु हुकूमत ऐलान करे थी त असां 12 एकड़ खां घटि वारे खे न खण टैक्स नेट में शामिलु न कंदासीं, त इहो त अञा सहुलो थी पवंदो फैमिली जे 20-10 माण्हुनि में उहा डिस्ट्रीब्यूट थी वञे त देर विल बी नो टैक्स। ठीकु आहे, पर कम अज़ कम उनखे सेटेलाइट इमेजरी में उन्हनि खे डिसएग्रीगेट करिणो पवंदो त भई हीअ असां पंहिंजी फैमिली जी 100 एकड़ ज़मीन आहे ऐं हीअ असां 10 भाती आहियूं। पर हींअर त इवन उनजी बि ज़रूरत कोन थी पए, हर शइ कागज़नि में तव्हां जीअं चाहियो तीअं करे सघो था। मुंहिंजो मक़सदु इहो आहे त जेकॾहिं उनखे तव्हां सेटेलाइट बेस न कंदो त तेसी सरकार उनखे इन्फोर्स करे न सघंदी।